ये जो भी गांवों में शिक्षा चिकित्सा का अभाव, बिजली नहीं होना, और ये सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि जैसे ही देश में आजादी के बाद सरकार बनी, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना की, भाषा संस्कृति को लेकर कल्पना की। मेरे गांव के, मेरे उस क्षेत्र के जो अपने लोकल थे संसाधन, कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े उद्योग लगा लिए, जिससे उन कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब होती चली गई। आज मेरे गांव में, पहले जो गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनार चूड़ी बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता था। उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर लोकल, हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव के सभी सरपंच या विराजमान मित्रों, में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको मौका मिला, आपको यह मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव का सरपंच बनकर के वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूं, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा लीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस राशन की बात वो करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद में हो, और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी, और वो सरपंच तक पहुंचेगी, सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरे भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। मैंने देखा, मैं सरपंच रहा था, मेरे से कई लोग कहते थे, वो जब गर्मियों के अंदर नरेगा का काम चलता था, तो मेरे से कहते थे कि आपके यहाँ काम क्यों चल रहा है। मैंने कहा आपने प्रस्ताव भेजे थे क्या पहले, क्योंकि समय से अगर सरपंच काम करेगा, हर उसका प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को लेगा, हमारी उस आम सभा में प्रस्ताव लेगा, कौन से काम हमारे होने, कभी कभी क्या होता है काम लिख देते हैं हम, उनका समय पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेज पाते हैं, हमारे काम पीछे हो जाते हैं। जो सरपंच थोड़े से होशियार होते हैं, जिनके मन में काम करने की इच्छा होती है, उन प्रस्तावों को भेज पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे जब मैं सरपंच था तो मेरे को एक परेशानी है, मेरे से आके माता बहनों ने, बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा था कि सरपंच हमारी आंख पर दिक्कत दे रहा थी, हमें आंखों का कैंप लगाना चाहिए। मैंने कहा कैंप कैसे लगा सकते हैं, मैंने मेरे सेक्रेटरी को, मैं गया मेरे वीडियो को कहा कि मुझे आंखों का कैंप लगाना है, बोले ग्राम पंचायत कैंप नहीं लगा सकते। मैंने ग्राम पंचायत स्वशासन की संस्था है, आपके जो ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकती है तो कैंप क्यों नहीं लगा सकते। मैं उनके पास गया, वहां से मैंने पत्र लिखा, कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर के पास से मैंने पंचायत राज को लेटर लिखा, पंचायत राज ने मेरे को लेटर लिखा कि ग्राम पंचायत कोई भी अपने निजी आय के आधार पर कोई भी काम कर सकती है। मैंने कैंप लगाया 500 लोगों की, मैंने आपके बनाने का कैंप लगाया, सरकार ने मेरी उसमें मदद की, तो एक अच्छा काम, अच्छी पहल मैंने। मैं 15 दिन के अंदर एक मेडिकल का कैंप लगाता था, उस मेडिकल के कैंप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो दवाई से ठीक होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो विश्वास से ठीक होती है। अगर मेरे गांव का वो भाई, वो बुजुर्ग, वो माता, अगर उसको खांसी आप लाल दवाई दी, आपने अगर उसको शीशी दे दी, तो वो जाकर के उस दवा को लेंगे, अगले दिन अगर आप पूछोगे माता जी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो कहेंगे बेटा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से और फायदा भी होता है।
होता है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसा कि महीना आता है मार्च अप्रैल का, कुछ भी की शिकायत आती है गाँव में, जो कि गर्मी आती है और सर्दी निकलती है तो उस समय खुजली होती है, हाथ पैरों में दिक्कत आती है, उस समय एक अगर कैंप लगा दोगे तो आप देखोगे 60% 50% मरीज आते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चुनौती बहुत होती है गांव में, मेरा तेरा बहुत होता है, आपको उनसे निकलना होता है। गाँव में अगर अतिक्रमण होता है, सरपंच सोचता है मैं क्यों बुरा बनूं, बुरा तो आपको बनना पड़ेगा, बुरा आपको बनना पड़ेगा, अच्छे आप बनोगे तो बुरा कौन बनेगा, मुझे पता है। मैं देखता हूँ रास्ता तोड़ करने के लिए जाते हैं, बट एक का मकान होता है, एक का चबूतरा होता है, वो चबूतरा की तुलना मकान से करने लग जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को भी हम देखते हुए, क्योंकि हम लोग सरपंच हैं, तो हमका दायित्व है हमारा कि हमारे उस गाँव की छोटी मोटी समस्या होती है उनका समाधान करें। मेरे गाँव में क्या हो सकता है ये आपकी कल्पना के आधार पर होगा, आपने कल्पना क्या की है, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सरपंच, अगर एक थोड़ी सी कल्पना करे, कोई भी गांव में ऐसा काम नहीं है जिसको ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, सारे काम ग्राम पंचायत कर सकती है, आप जुड़े हुए हैं। हमारा ये पंचायत राज बहुत बड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं 11,341 के लगभग हमारे यहाँ पंचायतें हैं, 33 हमारी जिला परिषद है, लगभग 350 के लगभग हमारी पंचायत समितियां हैं, 1,00,000 से ऊपर हमारे सरपंच बैठे हैं। अगर हम सदस्यों की बात करें तो 1,400-1,500 के लगभग हमारे जिला परिषद के सदस्य होंगे, अगर हम उनकी बात करें पंचायत समिति के तो लगभग 6,000 के लगभग हमारे पंचायत समिति के सदस्य होंगे, अगर इनको हम मिलाए तो पंचायत राज की संख्या लगभग 1,50,000 के लगभग हमारी पहुंचती है। पर हम उसके माध्यम से हम काम करने में कितने हम सफल होते हैं ये खुद पर निर्भर करता है। एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत का एक पैरा आता है और उस पैरा में होता है आपकी निजी आय, और वो आप देखते हो सभी सरपंच हैं, हमने तो जब आता था पैरा आपकी निजी आय नहीं है, उसमें पैरा ऑडिट में आता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आने वाले समय में, क्योंकि आप निजी आय अगर आपके पास है और निजी आय के स्रोत में बनाना आवश्यक है, हमारे सरपंचों के मन में एक भाव आ जाता है और वो भाव ये आ जाता है कि निजी काम में निजी आय में बढ़ा के जाओ और आने वाला दूसरा सरपंच उसका लाभ ले। देखिए मैं एक कहना चाहता हूँ, कोई सरपंच का लाभ नहीं, वो मेरी पंचायत का लाभ है, वो मेरे गाँव का लाभ है, इसे उसे बढ़ाने की जरूरत तो कोई हमारे जो एजुकी और राजनीति जो एमएससी और एसएससी जो किस्तें आती हैं, मुझे पता, मैंने देखा था पिछले दिनों 22-23 की नहीं गई है, लेकिन मैं यह आपको कहना चाहता हूँ 23-24 की जल्दी आने वाली है। केंद्र की मेरी जो केंद्र की हमारी एमएससी की है वो आपके पास पूरी तरह से समय से आ रही है, राज्य सरकार की 2019-20 से लेकर के लगातार लेट हो रही है, मैंने आगे देखा है, सरपंच साहब हमारे खुश हो रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी आएगी। और मैं एक बात और कहना हूँ, पीछे की भी रह रही है वो भी जल्दी आ जाएगी, आप सुनता है सरपंचों को काम करने का एक वही होता है और वो हमारी जनसंख्या के आधार पर आती है, और जनसंख्या के आधार पर आती है तो हमारी पंचायत के जो इस तरह के काम होते हैं जो आवश्यक होते हैं उन कामों को भी हम कर सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान पत्रिका की पहल पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से पुणे में धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रिका को और अंतरदेक उसमें सहयोगी बना उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, सरपंच अगर थोड़ा सा ऊपर उठ करके काम करे और चिंता नहीं करे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो अच्छा काम करेगा उस सरपंच को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूँ कि आप दृढ़ इच्छा मजबूत करके गांव में जो चलता है उसको चलने दें, उससे ऊपर उठ करके। मैं कहता हूँ आपसे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, कभी कभी आपके मन में आता है कि सब वहां काम करा दिया लोग भी आएंगे, आपसे कहते सब वहां काम करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
सबसे पहले काम उसके यहां कराना है जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है। हमें उस पंचायत के सरपंच है, आपको कोई ये तो नहीं कहता कि आपको इतने वोट मिले, आप आधी पंचायत के सरपंच है। आज मैं कह सकता हूं मेरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं 8 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं आपसे, इसलिए मेरे से सभी की अपेक्षा है। और मैंने आपने देखा होगा बजट के अंदर मैंने एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें बजट के लिए मैंने काम नहीं किया होगा और उसको बजट नहीं दिया होगा। जहां आवश्यकता है वहां मैंने पूरी तरह से बजट देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी तरह का नहीं होना चाहिए। हमें हमारे गांव का विकास करना है, हमारी पंचायत का विकास करना है, हमें अपने राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम आप निश्चित होकर काम करेंगे। कभी कभी हमारा सरपंच अतिक्रमण को लेकर और कई विषय होते हैं थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हैं, करने की आवश्यकता है। आपकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति आगे काम करेगी, आपके नेचर को पहचानेगी क्योंकि आदत हो जाती है, जैसा आप करोगे वैसी आदत लोगों की भी हो जाती है। एक मैं बताता हूं आपको क्या हुआ कि छोटी सी कहानी है। कोई अच्छे थे बढ़िया थे हमारे से अंडरटेक वाले अच्छे काम धाम चल रहा था उनका, तो किसी कारण से कमी आ गई तो किसी के पास जाते, कभी हनुमान जी के मंदिर जाते तो कभी देवी जी के मंदिर जाते तो कभी ठाकुर जी के मंदिर जाते तो कभी गणेश जी के मंदिर जाते। जब उनको लगा कि कहीं है तो कहीं किसी ने बताया कि हम उनके पास जाए, तो किसी विद्वान आदमी अमित जी के पास चले गए। अमित जी से जाके कहा उन्होंने कि साहब मेरे को ये परेशानी है, ये समस्या है, बड़ी दिक्कत हो रही है, पहले तो ऐसा था आप मैं ऐसा हूं। उन्होंने अमित जी ने देख करके उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 3-4 महीने की बात है, तो उसके मन में विश्वास आया कि 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है। उन्होंने कहा साहब 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है, उन्होंने कहा कि आपकी आदत में आएगा। उन्होंने तो सोचा था कि 3-4 महीने बाद ऐसा बताने वाले हैं कि कुछ और होने वाला है, कहीं से आने वाला है, कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने बाद ये जो हुआ है ये सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो आपकी आदत में भी आएगा और हमारे गाँव का और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी को जो चयन किया है और आपने जिस हिसाब से चयन किया है कि पहले 140 लोगों का चयन किया, आपने जिस तरह से क्लस्टर बनाकर के ये क्रिया पूरी की है निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया। और हमारी जो यूरी की मेंबर है उन्होंने भी अच्छा निकाल करके देख करके किया है। आप सभी को बहुत धन्यवाद, हमारे सभी सरपंचों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो ये आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा को जो बात कर रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है, हर गांव का विकास होना बेहद ज़रूरी है, ये सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। गरीबों और पिछड़ों के हित में काम करना है, मैं सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे हैं, और गांव बनेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। आपने सुना उनको कहते हुए कि कैसे सरपंच जो है ये नहीं सोचना है कि ये छोटा पद है, सरपंच बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है।